फेरी के लिए, इधर से फेरी के लिए आगे से टिकट मिलेगा और जो फोर्ट है वो उस साइड में है, आपको दिखा देंगे। इस साइड से फोर्ट के लिए जाएंगे रास्ते में और अपना ये टिकट काउंटर है। तो अपना फेरी के लिए अभी टिकट वगैरह ले लिए, अपना जो बोट है शायद इस साइड से आएगा। एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके का माहौल है ये। बीच में आधी काशी बैठेंगे। इतने बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22 एकड़ किले में घूमना कैसे है, कौन से स्पॉट पे आपको किस तरह से पहुंचना है। आप लोगों को ना ये फोर्ट के अंदर घूमने के लिए आसानी होना चाहिए। अभी अपने अपने ग्रुप के तरफ से कोई 300, 400, 100, 200 देंगे ना, जैसा दो लोग है भाई 100 रुपया दिया, तीन लोग है 200 रुपया दिया, बड़ा ग्रुप है 300-400 रुपया दिया ना। एक नाव के अंदर में देखो 5-6 आदमी जो हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं ना, ये पैसे हम लोगों के रहते। आप लोग ने जो टिकट निकाला ना 80 रुपए का, पैसा हम लोगों का नहीं है, गांव वाले का सोसाइटी है। मैं सबको गाइडिंग दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्यों बता रहा मालूम है, बाद में कोई अंदर आपको बताने वाला साइड मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको घूमना है। तो देखो आप लोग जो किला देखने के लिए जा रहे हैं ना, ये राजा ने जो फोर्ट बनाया ना, इसका नाम है सिद्धि जौहर। सेठ सिद्धि जौहर नाम के हिंदुस्तान में ना दो बादशाहों के चले गए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज थे ना भाई, जिनके टाइम में थे सिद्धि मुगल। जंजीरा जो फोर्ट बनाया ना, सिद्धि अफ्रीकन से था, हफ्ती बोलते हैं ना काला नीगलो, फिर वो लोग ने किला बनाया। इस किले की तारीख है 1118 में इसका काम स्टार्ट किया और 1140 में बनके पूरा कंप्लीट हो गया। फोर्ट को बनने में ना पूरा 22 साल लगा। फिर जंजीरा फोर्ट बनने के लिए 22 साल क्यों लगा, 12 घंटे में पानी के अंदर 6 घंटा वटी हंसते, 6 घंटा भर्ती होता है ना, हाई टाइड लो टाइड हंसते ना। आप लोग किला घूमने जा रहे हैं ना सेठ, अभी हाई टाइड का वक्त है, सुबह से ना पानी की लेवल कम थी। पानी की लेवल कम होने के वजह से देखो आपको किले का जमीन दिख रहा है खालचा, ये आपको आइलैंड दिख रहा है ना। इसके बाद में जो भी ट्रिप आएगा ना सेठ, उनको नीचे की लेवल नजर नहीं आएंगी क्योंकि पानी की लेवल बढ़ने वाली है। अभी कैसे अपन घर बनाते हैं, तो पहला घर का क्या बनाते हैं, अपन फाउंडेशन बनाते हैं ना, उस तरह से जंजीरे फोर्ट का जो फाउंडेशन है ना, जमीन के 15 फीट नीचे है और ये फोर्ट की जो हाइट है ना, नीचे से ऊपर तक पूरा 90 फीट का हाइट है, 90 फीट की हाइट है। से 22 एकड़ में किले को बनाया ना, तीन रीजन है।
पहला रीजन क्या है, नाउ जब तक कोर्ट के पास में लग नहीं जाएंगे ना, आप लोगों को ये गेट का ना कहीं से भी पता नहीं चलेगा। दूसरी खास बात क्या है, किले के चारों बाजू में आपको क्या नजर आता है, पूरा खड़ा पानी है ना, किले के हाथ मोदी गुड़ पानी, जो स्वीट वाटर लेक है, इतने बड़े लेक है ना, जिस नाव में बैठे थे ना, ये नाव को उठा के किले के तालाब में छोड़ देंगे ना, किले कोट के तालाब में नाव को गोल घुमा सकते। तीसरी खास बात क्या है, इतना बड़ा किला देखो पानी के बीच में खड़ा हो गया ना, समंदर में जो लाठे असर ना, लहरें टकराने से दीवारों का पत्थर डैमेज हो गया, पर ज्वाइन ने अपनी जगह नहीं छोड़ा। हजार साल पहले किले के बांध करते ना, सीमेंट का वहां पर नहीं है, पांच मटरेले, मीठा गुड़, चूना, समंदर की रेत, उड़ीद दाल, हनी सीसा, लेड बनकर ना, ये पांच मटरेल का वापर किया हुआ है। 45 मिनट में क्या करना है, पांच मिनट ज्यादा दे, 40 पे आना है, वो लक्ष्य थे वहाँ 10:40 का बहुत सुख रहा है, नीचे वाला 5 मिनट का जाता है, 10:40 को लाउ जुटेगा। पहला राइट मारने का इधर से जाना है, अभी पहला है ना, आगे के लोगों को उतार रहा हूँ, पहला आगे वाला उतरेगा, फिर ये लोग उतरेगा, 3 नंबर पे आप लोग, 4 नंबर। तो अभी हमें मुरुड जंजीरा फोर्ट पे, आप यहाँ पे देखें टोकेश्वर बंसुन है, इस पर कुछ लिखा हुआ, ज़्यादा मेंटेन नहीं है ये किला, बट ये जो पुरानी तोपें हैं अभी तक वहाँ पे एजिटीज पड़ी हुई हैं, और कुछ इस तरीके से कहने वाला, ये पूरी तरह से बिल्कुल पानी में बना हुआ है, तो लो टाइड हाई टाइड का जो सिक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया होगा, जब जब पानी पीछे की तरफ गया होगा तो इसमें काम किया गया होगा। यहाँ इस रूम में भी छोटे छोटे तोफ लगी हुई हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, 5 तोपों की जगह है, 6 तोपों की, बट कुछ तो एक दो लग रहा है यहाँ से लेके चले गए हैं लोग कहीं और, म्यूजियम या कहीं तो रख दिया होगा। बाकी अगर आप यहाँ से देखें तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है, जैसे भी अटैक करेंगे लोग यहाँ से उसको काउंटर फायर दिया जा सकता था। वैसे तो पूरी तरह से खंडहर हो गया है, ख़त्म ही है, मेंटेनेंस नहीं हुआ इसका लग रहा है, बाद में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखें तो थोड़ा बहुत ही पार्ट इसका जो किनारे किनारे का है वही बचा हुआ है, बाकी बीच में तो सब ध्वस्त हो गया है, हो सकता है कुछ अटैक की वजह से या जो भी रहा हो ऐसा हुआ होगा। बीच में वो मीठे पानी का लोग बता रहे हैं कि तालाब है, समुंदर के बीच में मीठा पानी आया कैसे, या तो वो झील होगी पहले से ही, बारिश का पानी भर जाता होगा बार बार। इस फोर्ट का जो टॉप पॉइंट है अगर आप वहाँ पे देखें, देख सकते हैं लग रहा है पानी कम हुआ है, अभी लो टाइड है। यहाँ पे अभी मार्च 12th है, लेकिन अभी जो क्लाइमेट है ना बिल्कुल एकदम ह्यूमिड है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा अच्छा लग रहा है। इधर से देखिए फोर्ट के साइड में
लो टाइड हो गया है तो आपको इसका मेरे ख्याल से टापू वगैरह होगा वो पूरी तरीके से दिख रहा है। बस ये है कि यहाँ पे फुट स्टेप काफ़ी बड़े बड़े हैं तो आपको जल्दी थका देते हैं। तालाब है इधर, ये रहने के क्वार्टर हैं कुछ टाइम पे, जो भी इसका ओनर राजा महाराजा सुल्तान होंगे वो सब रह रहे होंगे। और यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल क्या लाइट चारों तरफ से आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल एकदम चिल्ड है, बिल्कुल भी गर्मी सी फील नहीं हो रही इसके अंदर। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको पूरा बाहर का नज़ारा दिखेगा। कुछ इस तरीके के कमरे इसमें बने हुए हैं, एक प्रकार का महल ही है ये किले के अंदर। नीचे से उधर सामने दिख रहा है डायरेक्टली जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब ऊपर थे यहाँ पे नीचे कुछ लोग को कोई गाइड कर रहा था, यहाँ पे दिखा रहा। अच्छा, दिखा दीजिए। गंदगी ऐसे नहीं फैलाना, अगर आप लोग आते हैं तो ये काम मत करिएगा। बोतल वोटल फेंक दी, इधर डस्टबिन रखा हुआ है, चारों तरफ डस्टबिन रखे हुए हैं, अपना बोतल उसी में फेंकिए, ऐसे गंदे वाले काम नहीं करिए। तो ये है तालाब का रास्ता, देखते हैं इसे। मीठे पानी की झील बता रहे हैं लोग, बना दिया है मैन मेड हो। पानी ओवरफ्लो है बट इतना नहीं रहता होगा पहले के टाइम में ना, वो दरवाजे होंगे जिससे उतर के लोग नहाने जाते होंगे इसमें। मछलियाँ भी हैं, दरवाजा है ना, ये दरवाजा नहीं है, ये यहाँ से उतर के इधर बस पानी छोटा सा एक झील बना दिया। अच्छा, और ये सब वेट मछलियाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे होगा। हाँ, मतलब दरवाजा नहीं है, वो पानी थोड़ा सा इधर आने के लिए, इधर सारे काम करने के लिए मेन पूल में दूर है, मेन पूल। इधर मछलियाँ बहुत सारी हैं, सवाल ही खाने चलिए सब देख करके पानी की तरफ आए। तो समुद्री मछली होंगी या फ्रेश वाटर वाली? फ्रेश वाटर है। पॉइंट से किला पूरी चारों तरफ से दिख रहे हैं। दो तालाब हैं, एक वहाँ पे है। वेस्ट कोस्ट बहुत सुंदर है,
क्या पानी वानी इतना बढ़िया, और जैसे ब्लू का शेड है तो जैसे ब्राउन का शेड है, जिस जिधर डीप है उधर ब्लू है, जो थोड़ा सा छिछला हो रहा है ब्राउन हो रहा है। फोर्टी फाइव मिनट का ट्रिप देते हैं यहाँ पे, 45 मिनट में आपको घूम फिर के अपने फिर जिस बोट से आए हैं उसमें वापस जाना रहता है। तो प्लान ऐसा करिए कि आप 45 मिनट में पूरा इस किले को घूम लें लुक वाइज, और जो इधर मौसम है उसके वजह से ये बिल्कुल अल्टीमेट है, कोई वो नहीं है, बस ये है कि इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मे भी कुछ रीजन रहा हो, बाकी किला अल्टीमेट है। तो अभी तक जिधर आसपास के जितने किले देखे उसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है ना, और पोर्ट्रेट मोड एक उन्हीं को बोलते हैं, एक पोर्ट्रेट में एक और, और जो साइड से दिखता है पीछे साइड में बिल्कुल डीप सी, दूर तक समंदर कुछ दिख नहीं रहा है, और इस साइड में किनारे पे आपको अगर आप देखें तो ये पहाड़ साइड से एकदम क्या मस्त व्यू आती है इसको, आदमी फैन ही हो गया इसका, इस तरीके का है ये। कुछ चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बड़े बड़े स्टेप्स पे, बट उतरते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, थोड़ा टायर्डनेस चढ़ने वक्त ही फील हो रहा है, बड़े बड़े स्टेप्स है, ऐसे नॉर्मल बाय, वेरी वंडरफुल अजूबा है। अभी घूम लिया, इधर का थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ था तो इधर होते हुए हम लोग बाहर चले जाएंगे कुछ इस तरीके का। वोट हमारी है, हम कुछ भी करेंगे वोट में। भाई सुल्तान वाला बोले जो कुछ भी है।
आपके साथ में आगे वो बारह जाए ना बारह जाए वो कौन है पीछे खड़े हो क्या लेना है बाकी परदेशी हो गणेश फोन पाहुणे गणेश बघा विचारा फोन इधर से चला ये तो लंबा पड़ेगा फिर के बीच से रास्ता दिया है इन्होंने पार्किंग के पास जाने के लिए जो कि ऑलमोस्ट 200-300 मीटर है यहाँ पे डिस्टेंस।